मऊ जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने जिले के सदर विधानसभा के बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को जिले के चर्चित हत्याकांड में दोषमुक्त करार देते हुए केस से बरी कर दिया। विधायक को केस से बरी होते ही कोर्ट से लेकर मुख्तार अंसारी के कार्यालय तक सभी जगहों पर समर्थक और कार्यकर्ता मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया है। क्या लग रहा है? ये लाखों करोड़ों लोगों की दुआ की बदौलत आज इंसाफ की जीत हुई है। एक साजिश के तहत इस मुकदमे में विधायक जी को फंसाया गया था। लोकतंत्र में न्यायपालिका ने आज एक इंसाफ का फैसला देकर अपना सर्वप्रिय होने का एक और उदाहरण दिया है। इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं, धन्यवाद। सुनिए इस मामले पर सरकारी वकील ने क्या बताया है। मन्ना सिंह हत्याकांड में कुल 11 अभियुक्त थे, जिसमें 3 को न्यायालय ने माना कि ये घटना के लिए हत्या के लिए दोषी हैं। उनके नाम हैं अमरेश कन्नौजिया, जामोदुर राजू कन्नौजिया, अरविंद यादव। 3 लोगों को सजा हुई है। सजा के बिंदु पर थोड़ी देर बाद फैसला आने वाला है। मकिया को दोषमुक्त किया गया है। दोषमुक्त हुए पंकज सिंह और बुनिया सिंह, राकेश और हनुमान पांडे, अनुज कन्नौजिया, उपेंद्र सिंह, रजनीश सिंह, उमेश सिंह, मुख्तार अंसारी और संतोष सिंह। इन लोगों को किस मामले में दोषी करार दिया गया है? हत्या के लिए, मन्ना सिंह की हत्या और राजेश की हत्या में ये दोषी माना गया है तीनों। तो वही मृतक ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह ने ये कहा। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैं उच्च कोर्ट में जाऊंगा, ऊपर की अदालत में जाऊंगा न्याय के लिए। सबको पता है कि हत्या हुई है, किसने किया है, पूरा जनपद जानता है, पूरा प्रदेश जानता है किसने कराया है, किसने किया है। उसके बावजूद अगर छोड़ दिया गया तो चूंकि न्यायपालिका का मामला, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं उच्च न्यायालय जाऊँगा इसके खिलाफ इस फैसले के। गौरतलब है कि ठेकेदार मन्ना सिंह और उनके साथी राजेश राय की साल 2009 में हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। SPN 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।